हम मोदी सरकार तो है नहीं कि पुलिस से कहेंगे कि गोली चला दीजिए, या हम जाके किसी के वो होम मिनिस्टर इस देश के अमित शाह कहते हैं कि कनपट्टी पर रख के करूंगा क्या। तो ये हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं आखिर इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील क्यों उतरे सड़कों पर, क्या है इसके पीछे की वजह। चलिए देखते हैं इस वीडियो में इन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने मोदी सरकार और अमित शाह को दिया बहुत ही बड़ा चैलेंज। चलिए देखते हैं वीडियो, ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, वकीलों की जिम्मेदारी बनती है, आपको नहीं लगता क्या, जो संविधान को समझते हैं, संविधान के रक्षक हैं, इस देश के न्याय का जो की व्यवस्था जो है उसके रक्षक हैं और न्यायपालिका का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जिस तरीके से देश के संविधान पर प्रहार हो रहा है, देश की आत्मा पर प्रहार हो रहा है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो आगे शेयर भी करें, नागरिक की नागरिकता पर, उसकी पहचान पर प्रहार हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए तो वकील सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन सरकार कह रही है जो लोग विरोध कर रहे हैं तो अनपढ़ गंवार लोग हैं, तो पढ़ना ही नहीं आता इन्होंने। आप देश के उच्चतम न्यायालय के वकीलों को सरकार गंवार अगर समझती है तो मैं सरकार की बुद्धि पर मुझे दया आती है। और ये मैं कहना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही तानाशाही रवैया है और अधिनायकवादी राजनीति है जो संवाद में विश्वास नहीं रखती है। इस देश का पूरा ताना बाना आज आंदोलित है, हर वर्ग आक्रोशित है और इस देश में जो कि यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है इस वक्त, जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान है, वो हर गली मोहल्ले में निकल रहे हैं, इस देश के झंडे को अपने कंधे पर उठाए हैं, नेशनल सिंबल्स को लेकर कह रहे हैं कि हमें देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। लेकिन मैं बहुत अपेक्षा नहीं रखती मोदी सरकार से, क्योंकि वो आरएसएस जो संविधान की प्रतियां जलाती थी और कहती थी कि मनुस्मृति को आजाद भारत का संविधान बनना चाहिए, उससे अगर आप ये अपेक्षा करें कि वो संविधान के पक्ष में कोई बात करेगी तो ये मैं इसे बहुत ज़्यादा जायज नहीं समझती। पर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि इस देश का नागरिक कह रहा है कि हम अपने ऊपर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप पुलिस को कठपुतली बनाकर कितनी भी लाठियां बरसाएं, गोलियां बरसाएं, लेकिन अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कहा जा रहा है कि ये जो एक्ट है ये इनलीगल है, कहीं ना कहीं 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी, आपको क्या लगता है, कैसी उम्मीद है कि कैसा फैसला? देखिए, एक कानूनी लड़ाई होती है, वो हम न्यायालय में लड़ेंगे, एक राजनीतिक लड़ाई है, एक सामाजिक लड़ाई है, वो हम सड़क पर भी लड़ेंगे। तो ये सड़क से संसद तक और न्यायालय तक की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो तो उसका कभी किसी ने विरोध किया नहीं, वो सर आंखों पर होता ही है, लेकिन इस देश की जनता का भी अपना एक विचार है और उस विचार को प्रभावित करने के लिए अपनी बात हम कहेंगे। आप देखिए, हम ये भी नहीं कहते, कुछ वकील हो सकता है, कुछ लोग हैं जो कि ये सोचते हो कि एनआरसी सीए ठीक है, वो अपना मत रखें, हम अपना मत रखेंगे, लेकिन विरोध को की आवाज को निकलते ही हलक में दबा दिया जाए, क्या ये लोकतंत्र में होता है? ये सरकार क्यों करना चाहती है? ये सरकार क्यों चाहती है कि कोई भी डिसेंटिंग वॉइस ना हो, कोई कॉन्ट्रेरियन ओपिनियन ना हो? ऐसा तो डेमोक्रेसी में होता नहीं। लेकिन पीएम मोदी जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं एनआरसी का, वो लोग राजनीति से प्रेरित लोग हैं, आम जनता इसका विरोध नहीं। कौन राजनीति से प्रेरित है मुझे बताइए? चुनावी रैली में मोदी जी जाकर कहते हैं कि कोई बात ही नहीं है एनआरसी की, अभी तो हमने चर्चा ही नहीं की, हम लागू ही नहीं, लागू होने की बात कहां से आ गई? और अमित शाह कहते हैं, क्रोनोलॉजी बता रहा हूं सुन लीजिए, पहले सीए आएगा फिर एनआरसी आएगा। तो कौन राजनीति कर रहा है, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन अफवाहें लेकर जनता के बीच में जा रहा है, ये तो सबके सामने एक बहते पानी की तरह साफ है। लेकिन सरकार भी अपने पॉइंट पे वो कह रही है कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलनकारी भी पीछे नहीं हटेंगे, तो क्या इस? देखिए, याद करिए भूमि अधिग्रहण बिल को, ठीक है, 44 सीटें कांग्रेस पार्टी की थी, मोदी सरकार कह रही थी किसानों की जमीन तो हमने ले ली, हम पीछे नहीं हटेंगे, ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, लेकिन जब जनता ठान लेती है ना तो ये जनता कुछ भी करवा सकती है। उनको वापस हटना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, क्योंकि किसान आंदोलित थे, क्योंकि विरोधी दल सारे एक होकर कह रहे थे कि हम अत्याचार नहीं होने देंगे किसानों पर। और आज तो देश के हर नागरिक के ऊपर प्रहार है, ये जनता ही पूरी तरीके से आंदोलित है। और जैसा कि लोहिया एक समय पर कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती,
झारखंड की सारी चुनावी रैलियों में ठगुवर सरकार को बचाने के लिए एक बार भी किसी दैनंदिक जीवन वाले मुद्दे को नहीं उठाया मोदी जी ने। हम कह रहे थे कि किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे, धान को 2500 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, क्या नतीजा आया? वो पूरा CA NRC पे भाषण देते रहे हर रैली में, क्या नतीजा आया निकलकर? आप अंग्रेजी में कहा जाता है यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, यू कैन फूल ऑल पीपल सम टाइम, बट यू कैन नॉट फूल एवरीवन ऑल द टाइम। डरी हुई है बीजेपी सरकार दिल्ली चुनाव में वो सीए और एनआरसी। देखिए पहली बात तो आप ये समझिए कि किसी को डराने की लड़ाई नहीं है, ये अपने हक अपने अधिकार की लड़ाई है। इस देश का हर व्यक्ति जो यहाँ रह रहा है उसके जो अधिकार है उसे सुरक्षित करने की लड़ाई है। जो गलती करता है वो डरता है। मोदी सरकार डरी हुई इसलिए है क्योंकि वो जान रही है कि अब जो बाजी है वो उसके हाथ से निकल चुकी है। बहुमत की सरकार है, वो नोटिफिकेशन लेकर आ सकती है। मैं फिर आपको दोहराती हूँ ताकि आप भी अच्छे से समझ लें, दो तरीके से लड़ाई लड़ सकते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जा रही है, दूसरी सड़कों पर लड़ी जा रही है। और हम मोदी सरकार तो है नहीं कि पुलिस से कहेंगे कि गोली चला दीजिए, या हम जाके किसी के वो होम मिनिस्टर इस देश के अमित शाह कहते हैं कि कनपट्टी पर रख के करूंगा क्या? तो ये हमारा अंदाज नहीं है। हम शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और कानूनी तौर से लड़ाई भी। चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।